हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई से घी। ये देखिए गाइस, ये हमने दूध से उतार कर मलाई 15 से 20 दिन की इकट्ठी कर ली है और ये हम इसे एक भिगोने में डाल लेते हैं और ये हम आपको दिखाएंगे इसमें से घी हम कैसे निकालें। ये देखिए गाइस, अब हमने ये लकड़ी का एक चमचा लिया है और हम इसको इस तरह से इससे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसको 5 मिनट इस तरह से मथ लिया है और ये देखिए इस तरह से ये मलाई दानेदार हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और इस तरह से ही मथ लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसको 2 मिनट के लिए और मथाया है। अभी 3 मिनट बाकी और है और हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इस तरह से ही इसका जो दूध है ये देखिए इस तरह से अलग होने लगा है और हमने इस कोंचे की मदद से ही लकड़ी के इसको मथा है। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से मक्खन और दूध अलग हो गया है जो इसके अंदर दूध था। ये देखिए कितने अच्छे से क्रीम बनी है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 लीटर पानी। हमें इसमें मलाई में पहले पानी नहीं डालना है, हमें इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर हम जब मक्खन और दूध अलग हो जाए इस तरह से हमें इसमें फिर डालना है 1/2 लीटर पानी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से इसमें हमने पानी डाल दिया है। जो मक्खन के अंदर दूध होता है वो भी इस तरह से अलग हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से मक्खन निखर गया है, बहुत ही आसानी से इस तरह से मक्खन अलग हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा घी बना है। हमने इसमें कोई हाथ से भी नहीं किया है और ना हमने इसमें कोई हैंड ग्राइंडर और मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इस कोंचे की मदद से लकड़ी के इस तरह से ही इसको मिक्स करते हुए ये हमने सारा घी अलग कर लिया है। ये देखिए अब हम इसमें 1/2 लीटर पानी और डाल लेते हैं ताकि मक्खन अच्छे से निखर जाए। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से मक्खन बना है। ये देखिए हमने इसकी इस तरह से जो पानी है ना, इस तरह हमने इस तरह से इसको दबाते हुए जो पानी है इसके अंदर वो निकाल देते हैं। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा घी है इसके अंदर, अब हम इसके अंदर चलाएंगे हैंड ग्राइंडर, जो इस दूध के अंदर घी है वो भी निकल कर आ जाएगा। ये देखिए गाइस, जो हमने इसे हैंड ग्राइंडर से इस तरह चलाया है और ये देखिए कितना सारा मक्खन आया है निकल कर। ये देखिए इस तरह से जो मलाई होती है और ये जो इसके अंदर से दूध निकलता है, तो हमें इस तरह से हैंड ग्राइंडर डाल के इसके अंदर चलाना है और ये देखिए कितना सारा मक्खन आया है इसमें से निकल के। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने अभी ये सारा दूध इसमें से निकाल लिया है। वापस इसी भिगोने में हमने इसके ये मक्खन डाल दिया है और अब हम इसे पकने के लिए चूल्हे गैस पर चढ़ा देते हैं। ये देखिए गाइस, हमने कर दिया है गैस ऑन और हमने इसे पकने के लिए रख दिया है मक्खन को। ये देखिए गाइस, घी पकना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से, अगर हम इस तरह से मथ कर घी इस तरह से लस्सी अलग हो जाती है और इसमें जो दूध होता है वो इस तरह से अलग करके और घी बहुत जल्दी से पक जाता है और ये देखिए कितने अच्छे से घी आने लगा है। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से घी
बनकर रेडी हुआ है और हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दिया था। और ये देखिए कितना अच्छा घी निकला है। अगर आप इस तरह से घी बनाएंगे बहुत अच्छे से घी निकलता है और ज़्यादा भी निकलता है, और जो इसके अंदर ये मावा होता है ये भी बहुत कम होता है। ये देखिए हम इसको अभी 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से घी बनकर रेडी हुआ है। अब हम कर देते हैं गैस बंद और हम इसको ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको एक कंटेनर में छान देंगे। इसकी फोटो लगाइए। बहुत सोनी है। गाइज घी ठंडा हो चुका है और जो इसके बबल्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखिए अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए गाइज इसमें मावा बहुत ही कम इस तरह से निकला है क्योंकि हमने इस तरह से पानी डालकर और इसकी जो जो इसके अंदर दूध था वो इस तरह से निकाल दिया है, और इस तरह से निकालने से घी बहुत जल्दी निकल जाता है। ये देखिए गाइज अगर आपको हमारी इस तरह से घी निकालने की ये ट्रिक पसंद आए इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एक बार इस तरह से आप घी निकाल कर देखें। घी बहुत ज़्यादा निकलता है, कम मलाई में से भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।